आपने मोदी जी को इसीलिए वोट किया होगा, मोदी जी की सरकार इसीलिए बनाई होगी कि राम राज्य आएगा। तो राम राज्य आ गया है और मंदिर भी वही बन गया है। राम राज्य तो आ गया पर बहुजनों का क्या होगा, दलितों को क्या मिलेगा? सिर्फ राम मंदिर और उसका घंटा बजाए जाके राम मंदिर में धर्म की लड़ाई ना लड़के हमें मुद्दों के काम पे करना चाहिए। मोदी जी से पूछिए कि अगर आपको गुलामी लगती है तो गुलामी वो नहीं लगती मोदी जी आपको, जब आप विदेशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के सामने सर झुकाते हैं और आपको इंग्लिश से लगती है गुलामी। ईवीएम हटाकर लोकतंत्र से चुनाव हो ताकि अन्य पार्टी अच्छी सरकार इस देश में जो मुद्दों पे काम करे और बहुजनों के लिए काम करे, जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये वाल्मीकि समाज जो झाड़ू क्या है, झाड़ू सफाई कर दो इस भ्रष्ट सरकार की झाड़ू से। जो मानवता की बात करता है ना कि जातिवाद की बात करता है, न्याय की बात करता है और हमें नागरिकता दी। हम देखिए आज बहुजन है सब 85-15 का नारा दिया कांशीराम जी ने, तो जो हम 85% लोग हैं वो 90 भी हो रहे हैं, कहते हैं कि हमारी अगर संख्या ज्यादा है तो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग कहाँ हैं? संसद में जो बैठे हैं वो हमारी आवाज़ क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रहे? क्या उनके ऊपर कर्ज नहीं बाबा साहेब का? राम राज्य आ गया है और मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे भारत देश को कि राम राज्य आ गया है, उसकी सभी को बधाइयां, मेरे बहुजन समाज को बधाइयां। शायद आपने मोदी जी को इसीलिए वोट किया होगा, मोदी जी की सरकार इसीलिए बनाई होगी कि राम राज्य आएगा। तो राम राज्य आ गया है और मंदिर भी वही बन गया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम आगे की बात करें और मुद्दों की बात करें। मोदी जी से पूछिए कि अगर आपको गुलामी लगती है तो गुलामी वो नहीं लगती मोदी जी आपको, जब आप विदेशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के सामने सर झुकाते हैं और आपको इंग्लिश से लगती है गुलामी। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देखिए मैं मुद्दों पे आती हूँ, मैं फालतू की बातें नहीं करना चाहती क्योंकि हम घर में बात कर रहे हैं और समय कम है, मंच अपना है, सारी चीजें हैं, लेकिन समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारे सारे संस्थान बिक रहे हैं, उद्योग हमारी जमीनें हड़पी जा रही है इस सरकार के द्वारा, तो आरक्षण खत्म हो रहा है, इस बारे में सोचना और ईवीएम हटाना और लोकतंत्र बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है कि ईवीएम हटाना और लोकतंत्र बचाना और हमारी हिस्सेदारी। काशीराम साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारे लोग हिस्सेदारी में बोलना भी नहीं, यहाँ इतनी भीड़ है। काशीराम साहब ने क्या कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी तो हमारे लोग भी हिस्सेदारी तो जानते ही नहीं कि क्या होती है हिस्सेदारी या कौन उनको हिस्सा देगा। आप मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स क्यों देती हूँ, क्योंकि एक बच्चे की तरह हमें सीखनी होती है राजनीति भी, हमें हर समय एक बच्चे की तरह सीखना होता है। देखिए हमें कोई भी कभी भी कुछ भी सिखा के जा सकता है, हमें एक स्टूडेंट एक जीवन पर्यंत हम सब कुछ सीखते हैं, हमें कोई ना कोई एक जानवर भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, तो हमें कभी गुरु या गुरुओं का गुरु नहीं बनना, हमें एक नागरिक एक अच्छा नेता बनना है। हमारे समाज में नेता कहाँ है हमारे नए नेता, हमें राजनीति में भी आना है, हमें आंदोलन की करनी है, हमें सरकार की बनानी है, वो समय कब आएगा? राम राज्य तो आ गया पर बहुजनों का क्या होगा, दलितों को क्या मिलेगा? सिर्फ राम मंदिर और उसका घंटा बजाए जाके राम मंदिर में, बताओ राम मंदिर में जाके घंटा बजाऊं मैं? क्या हमारे घरों में राम आ गए? क्या हमारे घरों में राम आ गए? हमारी झोपड़ी में बताओ राम राम करेंगे हम, यहाँ ना आए तो क्या हमारी झोपड़ियों में राम आ गए? मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, कहाँ है राम बताइए? तो ये सब जो चीजें हैं हमें धर्म की लड़ाई ना लड़के हमें मुद्दों के काम पे करना चाहिए, काम मुद्दे जो है हमारे।
तो राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, और धर्म में हमें नहीं घुसना। और ईवीएम हटाकर लोकतंत्र से चुनाव हो, ताकि अन्य पार्टी, अच्छी सरकार इस देश में जो मुद्दों पे काम करे और बहुजनों के लिए काम करे। जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बाबा साहब ने कहा था, संसद का कलम रास्ता हथियार सौ हथियारों से बराबर एक कलम होती है, उस कलम को उठाना सीखो। ये वाल्मीकि समाज जो झाड़ू, झाड़ू क्या है, झाड़ू सफाई कर दो इस भ्रष्ट सरकार की झाड़ू से। मैं तो यही कहूंगी, समय कम है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आशा करती हूँ मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद। जो तराजू का संतुलन है हमें उसको राष्ट्रहित की तरफ रखना होगा, क्योंकि स्वाभिमान तभी हम का बच सकता है जब हम राष्ट्रहित की तलवार को लेकर के चलेंगे। जब तक हम स्वार्थ की तलवार को लेकर चलेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे अड़ंगे आएंगे, बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आएगी, और कहीं ना कहीं हम किसी के दुश्मन होंगे और कहीं ना कहीं हम किसी के दोस्त होंगे। तो ये दोस्त और दुश्मनी से अगर हट करके हम राष्ट्रहित की बात उठाएं और एक ऐसा विपक्ष तैयार करें जो सत्ता में न जाए लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों की कुर्सियां हिला दें, तो ये जो हमारा पूरा सोच है, जो हमारा विचार है, उस विचार को हम मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग सत्ता में बैठे हैं वो आज आपकी सदन में बैठे हैं, वो सब या तो सत्ता में आ गए हैं या तो विपक्ष में बैठे हैं। वो विपक्ष भी सोचता है जनता जितनी परेशान होगी तो अगली बार मेरे जीतने के चांस हैं, और जो सत्ता में बैठे हैं वो सोचते हैं भैया करोड़ों खर्च करके आए हैं तो आप आराम कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन दोनों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप समझिए और उन दोनों के बीच में एक जगह बनाइए जिसका नाम हो राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी। क्योंकि जब तक हम एक स्टेट को समर्पित विपक्ष नहीं देंगे तब तक हमारे जो संघर्ष है वो देश के अंदर बढ़ते जाएंगे और ये देश अराजकता की ओर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।